हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। आइए, साइंस के नए क्वेश्चन आर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं कि जैसा रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में साइंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम क्वेश्चन राइट के रूप में साइंस का भी सेशन लेके आए हैं। आपको बहुत अच्छे से साइंस समझ में आ गया, और जहाँ से साइंस पूछता है ना, वहीं से हम आपको पढ़ा भी रहे हैं। आइए देखते हैं। इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के परिकर्णन की परिघटना का उपयोग करके नहीं समझा जा सकता है। मतलब चार ऑप्शन देके रखा है और उन्होंने पूछ रहा है कि परिकर्णन की परिघटना को किसको समझा नहीं जा सकता है। तो पहले हम इसमें से देखेंगे कि कौन सा प्रकाश की परिकर्णन है। आपको पता है परिकर्णन क्या होता है? परिकर्णन कल बताए थे कि परिकर्णन हम उसे कहते हैं कि जब प्रकाश सूक्ष्म धूल कणों से जाकर टकराता है और टकराने के बाद बिखर जाता है, उसको प्रकाश का परिकर्णन कहते हैं। प्रकाश का परिकीर्णन कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव दिखाता है। तो आप याद रखिए, प्रकाश के परिकीर्णन में जो प्रकाश का परिकीर्णन होता है ना, किसी भी सूक्ष्म धूल कण से टकराने के बाद वो क्या हो जाता है, बिखर जाते हैं। आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं। हमारे घरों में जब छत का घर होता था ना, गाँव में खपड़ा का जब घर होता था, तो गाँव में खपड़ा के घर से जब एक क्षेत्र होता था, तो एक क्षेत्र से लाइट आता था और नीचे लाके एकदम सीधा रूप से आता था, और आप उसमें देखते हैं कि उसमें धूल कण होते थे, धूल कण रूप से दिखते थे। तो आप परकीर्णन के बारे में यही याद रखिए कि परकीर्णन जो होता है ना, प्रकाश का किसी भी सूक्ष्म धूल कणों से टकरा कर बिखर जाना प्रकाश का परकीर्णन कहलाता है। परकीर्णन कहने का मतलब कि परकीर्णन जो होता है ना, वो तरंग दैर्ध्य के परकीर्णन जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है, वो तरंग दैर्ध्य के कितना, पावर 4 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि जिस जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा, उसका परिकीर्णन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो आप बताइए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इसमें किसका होता है? तो रेडियो तरंगों का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है। हम आगे आपको पढ़ाएंगे, जब साउंड पढ़ाएंगे ना, उसमें पढ़ाएंगे, तो वेवलेंथ जो होता है ना, रेडियो तरंग का ज्यादा होता है। जब रेडियो तरंग का ज्यादा होता है, तब इसीलिए हम उसको रेडियो तरंग के रूप में यूज करते हैं, ताकि दूरी बढ़ने से उसकी परिकीर्णन की मात्रा क्या ना हो, घटे ना। ठीक है, मान लीजिए कि दूरी बढ़ने से जब परिकीर्णन की मात्रा घट जाएगा, तो परिकीर्णित जल्दी हो जाएगा, लेकिन दूरी बढ़ने के साथ अगर परिकीर्णन की मात्रा ना बढ़े, तो उसका परिकीर्णन कम होगा। इसीलिए वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा, उसकी परिकीर्णन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो रेडियो तरंगों का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए उसका वेवलेंथ कम होता है। उसी तरीके से जो हमारा रेड होता है, लाल जो कलर होता है, इसका वेवलेंथ क्या होता है, इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसीलिए तो इसकी परिकीर्णन कम होती है। इसलिए लाल सिग्नल में ट्रेन वाले जो सिग्नल लगाए जाते हैं, लाल लगाए जाते हैं, लंबी दूरी के लिए सिग्नल के लिए लाल लगाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, दूरी ज्यादा होता है, इसलिए इनका परिकीर्णन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो परकीर्णन हम बता चुके हैं कि परकीर्णन सूक्ष्म धूल कणों की ओर से टकरा जाना क्या कहलाता है, परकीर्णन कहलाता है। इन्होंने पहला ऑप्शन दे के रखा है कि सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी परकीर्णन का उदाहरण है। ऐसा इसलिए कि जब सूर्य उगता है, तो सूर्य से और हमारे बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और जब दूरी बढ़ जाएगी, उनकी परकीर्णन क्या होगी, कम होगी। इसलिए हमें सूर्योदय के समय सूर्य का कैसा दिखाई देना, लाल दिखाई देना। सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के भी समय आप यहाँ लिख सकते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाना कैसी परिघटना है, तो परिकीर्णन की परिघटना है। ये तो हमारा परिकीर्णन की परिघटना है। खतरे के संकेतों को लाल रंग का प्रयोग करना, ये भी परिकीर्णन की परिघटना है। ठीक है, आसमान का नीला रंग होना, ये भी हमारा प्रकाश की परिकीर्णन का घटना है। हमारा तारों का जो टिमटिमाना है, ये अपवर्तन की घटना है। किसका घटना है, अपवर्तन का। इसलिए हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अब समझ पाए, प्रकाश का जो अपवर्तन है ना, तारों का जो टिमटिमाना है, वो अपवर्तन की घटना है। आपको अपवर्तन पता होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अपवर्तन में दो तरीके होते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाना। देखिए, यहाँ पे अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। परकीर्णन तो समझ आ गया ना, एक कंसेप्ट सीखेंगे, उससे सारे क्वेश्चन आपका होगा। देखिए, अपवर्तन जो होता है ना,
प्रकाश का अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर गमन करना। मान लीजिए नॉर्मल है प्रकाश, इस तरीके से आया, मान लीजिए विरल माध्यम, और ये मान लीजिए सघन माध्यम है, ठीक है। तो प्रकाश इस तरीके से आया और इधर आके गया, ठीक है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आता है तो जो एक प्रकाश होता है इंसिडेंट रे होता है यानी आपतित किरण होता है वो नॉर्मल की ओर थोड़ा झुक जाता है, इधर आ जाता है। लेकिन जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो प्रकाश नॉर्मल से दूर हटता है, ठीक है। आप इसको बोलेंगे कि सर इसको याद कैसे करेंगे, हम भूल जाते हैं। भाई हम आपको इसको याद करने का तरीका बताते हैं। ये आपको ऐसा प्रकाश का परावर्तन में बताएंगे कि कैसे करते हैं इसको। देखिए अपवर्तन के लिए याद रखना आपको कि जब विरल माध्यम से हमको सघन माध्यम में जाना हो, विरल माध्यम से सघन में, ठीक है, तो इसमें हम याद रख लेंगे 20। और जब सघन माध्यम से हमको विरल में जाना हो, विरल में जाना हो, तो इसको याद रखेंगे 26। ऐसे याद रख लीजिए। तो बड़ा कौन होता है 26, और 20 क्या होता है छोटा। तो छोटा होता है तो नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, और जब बड़ा होता है 26 तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर चला जाएगा। ये बात याद रखिए कि प्रकाश विरल से जब सघन माध्यम में जाता है तो नॉर्मल की ओर अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम की ओर जाता है तो क्या होता है, नॉर्मल से दूर हट जाता है। ये प्रकाश का अपवर्तन की घटना है तारों का टिमटिमाना। आगे चलिए, अब देखिए इन्होंने पूछा कि लाल रंग का प्रकाश कोहरे के धुएं से परिकीर्णित होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य घटकों की तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। देखिए लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में क्या होता है, कम परिकीर्णित होता है। आप कम कहां लगाएंगे, ये सर्वाधिक तो गलत हो जाएगा, सर्वाधिक गलत हो जाएगा। ये आपका सबसे कम एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो हम सबसे कम वाला लगाएंगे, यानी दो ऑप्शन तो हट गया। आपको पता ना लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं में तो परिकीर्णित कम होता है, ठीक है। इसीलिए तो रेल के जो सिग्नल बनाए जाते हैं, बड़े सिग्नल जो बनाए जाते हैं उसमें लाल लगाए जाते हैं ताकि लाल कम परिकीर्णित हो और आगे का रास्ता हमें पता चले कि सही है या गलत है, ठीक है। यहाँ लाल रंग कोहरे प्रकाश में परिकीर्णन क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य तरंगदैर्ध्य के घटकों से तरंगदैर्ध्य की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। श्वेत प्रकाश तो आप समझ रहे हैं ना, विजिबल लाइट का खोज कौन किया था, न्यूटन खोज किए थे विजिबल लाइट का। इसमें 7 रंगे होते हैं, विभोर हम जिसको बोलते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, VIBGOYR ऐसे, ठीक है, विभोर इस तरीके से 2, 4, 6, 7। अब इसमें क्या होता है ना, इसका जो होता है सबसे ज्यादा तरंगदैर्ध्य होता है, तरंगदैर्ध्य ज्यादा, जब तरंगदैर्ध्य ज्यादा तो इसकी परिकीर्णन कम, इसका तरंगदैर्ध्य वायलेट का कम होता है तो परिकीर्णन ज्यादा होता है। तब ये बात याद रखिए कि लाल रंग का प्रकाश श्वेत या धुएं में कम होता है क्योंकि इसकी तरंगदैर्ध्य श्वेत प्रकाश के अन्य तरंग घटकों की तुलना में अधिक होती है। इसका वेवलेंथ क्या होता है, लाल का अधिक होता है। तो क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए, अब बोलता है कि जब सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल में वितान होकर गुजरता है तो कुहासे से जल की छोटी बूंदे प्रकाश को क्या करती है, और वो टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। साथियों ये बात याद रखिए, टिंडल प्रभाव हमेशा परिकीर्णन में दिखाई देता है। आप जहां भी टिंडल प्रभाव देखिए आप परिकीर्णन की घटना को मार दीजिए। टिंडल प्रभाव वही होता है जब कोलाइडी बिल्ड में सूक्ष्म धूल कणों के माध्यम से जब प्रकाश टकराता है और प्रकाश टकराकर बिखर जाता है, उसे हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये पूछ रहा है कि सूर्य का प्रकाश किसी घने जंगल में वितान से होकर गुजरता है तो कुहासे की जल की छोटी छोटी बूंदे प्रकाश को क्या करती है, परिकीर्णित कर देती है, ठीक है। देखिए छोटे छोटे प्रकाश की बूंदे जब परिकीर्णित करेगी ना तो आपका क्या बनेगा, परिकीर्णन की घटना होगा। इसीलिए वहां पे भी परिकीर्णन की घटना सबसे ज्यादा होता है जंगलों में, और उसी को क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव बोलते हैं। आगे चलिए, बोलता है सैटेलाइट से ली गई तस्वीर आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है। ये भी आपका आसमान का में अंधेरा नजर आना प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण होता है।
जब प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होगा तो हमारा प्रकाश, अरे हमारा सेटेलाइट से लिया गया तस्वीर कैसा दिखाई देगा, अंधेरा नजर आता है। क्या क्या लगाएंगे, परिकीर्णन नहीं होने के कारण हमारा सेटेलाइट में आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। आगे चलिए, बोलता है परिकीर्णित प्रकाश का रंग परिकीर्णित होने के कारण के आकार पर निर्भर करना है। सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बोलता है परिकीर्णित प्रकाश का रंग परिकीर्णन होने वाले कणों के आकार पर निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, तो किसका प्रकाश का परिकीर्णन अति सूक्ष्म रूप से करते हैं बताइए। अति सूक्ष्म कण रूप से किसका प्रकाश का परिकीर्णन करते हैं, लाल का करते हैं, ठीक है, लाल का, सॉरी लाल का बोलो जी, नीला का हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे नीले का प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, ठीक है। प्रकीर्णन प्रकाश का रंग प्रकीर्णित होने के कारण आकार पे निर्भर करता है। अति सूक्ष्म कण मुख्य रूप से प्रकाश का, अच्छा अति सूक्ष्म बोला है ना, यानी कम मात्रा में बोला है, तो अति सूक्ष्म मात्रा में किसका प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, तो रेड का प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। सबसे सूक्ष्म में यानी कि सबसे कम में रेड लाइट का तो ही प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जबकि सबसे अधिक मात्रा में नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, ठीक है। आप इसको याद रख लीजिए, आप इसको याद रख लीजिए केवल बिबगौर को, बी आई बी जी वाई ओ आर, बिबगौर याद रखिए। इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा, इसका प्रकीर्णन कम, इसका तरंगदैर्ध्य कम तो प्रकीर्णन ज्यादा, आप इसे याद रख लीजिए। आगे चलिए, बोलता है स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कैसे होते हैं और आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के कारण होते हैं। तो आपको तो पता है ना कणों के द्वारा प्रकाश के किसके कारण होता है मौजूद प्रकाश का, स्वच्छ आकाश का नीला रंग, तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है, तो आप तो लगा सकते हैं होगा प्रकीर्णन या अपवर्तन की घटना तो होगा नहीं, समझ पाए। तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में कैसे होते हैं, छोटे आकार वाले होते हैं या बड़े आकार वाले होते हैं बताइए। प्रकीर्णन की दो घटना, एक बड़े आकार एक छोटे आकार। तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश यानी कि विजिबल लाइट की तुलना में, विजिबल लाइट की तुलना में क्या होते हैं, उनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है ना जी, छोटे आकार वाले द्वारा होते हैं, सूक्ष्म कण के द्वारा तो होते हैं ना। ये बात याद रखिए कि स्वच्छ आकाश का नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की तुलना में छोटे आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण होता है, समझ पाए। प्रकीर्णन की सबसे बड़ी घटना यही है कि जब सूक्ष्म प्रकाश की तरंगों के माध्यम से, सूक्ष्म प्रकाश सूक्ष्म धूल कणों के माध्यम से जब प्रकाश टकराएगी क्या हो जाएगा, प्रकाश की परिघटना होगी और प्रकीर्णन वेवलेंथ का 4 पावर 4 के बराबर होता है। आप जितना ज्यादा दूरी बढ़ाइएगा प्रकीर्णन की मात्रा उतना कम होते जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, बोलते हैं अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है। पीछे क्वेश्चन ने बता चुके हैं कि अंतरिक्ष का काला दिखाई देना क्या कहलाता है, प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाता है, हाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं होने के कारण हमारा अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। बोलता है वायुमंडल में अनुपस्थिति का आकाश का रंग कैसा होता है, तो वायुमंडली में जब वायुमंडल में उपस्थित होता है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। जहां पे अगर वायुमंडल ना हो वहां पे हमारा कैसा दिखाई देगा, वायुमंडल की अनुपस्थिति में तो काला रंग आई देगा। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को, अंतरिक्ष यान जब जाते हैं तो अंतरिक्ष यात्री को जहाँ पे वायुमंडल उपस्थिति होता है वहां काला दिखाई देता है, ठीक है। आप ये 10th क्लास के बुकों में पढ़े होंगे चंद्रयान छत्री को अंतरिक्षयान काला क्यों दिखाई देता है, तो वहां पे इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है, जहां भी वायुमंडल की अनुपस्थिति होगी वहां पे आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। आगे चलिए, बोलता है कि के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाता है। उत्सर्जित करने का मतलब फैल जाता है। ये किसकी घटना है, ये भी प्रकाश के कारण जब किसी माध्यम में निलंबित होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाता है। ये किसकी घटना है,
ये भी प्रकाश की परिकीर्णन की घटना है। प्रकाश के परिकीर्णन के कारण जब प्रकाश किसी माध्यम से विलंबित कणों से होकर गुजरता है तो प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित होता है और सभी दिशाओं में उत्सर्जित हो जाता है। बात तो पता है ना, तो छोटे सूक्ष्म धर्म से किसी जब प्रकाश किसी माध्यम से निलंबित होकर कणों से गुजरता है तो उसका क्या होता है, प्रकाश का परिकीर्णन होता है। आगे चलिए, बोलता है आकाश का नीला क्यों दिखाई देता है, तो ये भी आपका क्या होता है, परिकीर्णन के कारण। बोलता है नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा में अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं। सभी रंगों का प्रकाश का अनुपात में श्वेत प्रकाश नीले रंग के तरंग दैर्ध्य की अपेक्षा निम्न होती है और हवाओं में अणुओं द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश हवा के सभी अणुओं द्वारा प्रक्षेपित होते हैं। बिल्कुल नहीं, आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा, प्रकाश का नीला रंग दिखाई देना क्या होता है बताइए। तो नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा में अणु द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं, ये बात सही है। नीला रंग क्या होता है जी, नीला रंग तो सबसे कम परिकीर्णित होता है ना कि ज्यादा होता है, नीला रंग सबसे ज्यादा परिकीर्णित होता है। ये तो बोल रहा है कि नीले रंग को छोड़कर श्वेत प्रकाश के सभी रंग हवा में अणु द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं, ऐसा है क्या। दिग्गोल, दिग्गोल यानी कि नीले को छोड़कर तो सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब ये तीसरा पूछा पूछता है श्वेत प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षा निम्न होती है, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षा निम्न होती है और ये हवा में अणु द्वारा क्या होते हैं, सर्वाधिक परिकीर्णित होते हैं। अच्छा, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होते हैं, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत नहीं, तरंग दैर्ध्य तो इसका क्या होता है जी, कम होता है ना, हाँ तरंग दैर्ध्य इसका कम होता है और ये हवा के अणु द्वारा सर्वाधिक परिकीर्णित होती है। सॉरी साथियों, ए आपका आंसर सही होगा, सी नंबर सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, बोलता है जब किसी प्रकाश चमकीली सतह पे आपतित होती है तो क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है। तो यहां से दो कंसेप्ट है, आप इसको याद कर लीजिए कि जब प्रकाश किसी भी आप ओपेक सब्जेक्ट को ले रहे, अरे ओपेक ऑब्जेक्ट को ले रहे ना, तो जब आप स्मूथ वाला लीजिएगा ना, स्मूथ लीजिएगा, कैसा ऑब्जेक्ट लीजिए, मान लीजिए स्मूथ ले लीजिए, स्मूथ मतलब क्या होता है, चिकना ले लीजिए, ठीक है। जब चिकनी लीजिएगा ना, ये प्रकाश मान लीजिए इस तरीके से आया और इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपवर्तित हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ये आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है, ठीक है, परावर्तित किरण है। तो जब आप स्मूथ सरफेस लीजिएगा और उस पर आप प्रकाश की लाइट दिखाइएगा तो आपका परावर्तित बहुत जल्दी होगा, आप पे इसका इमेज अच्छा रूप से दिखेगा, इमेज अच्छा बनेगा आप, ठीक है, प्रतिबिंब अच्छा बनेगा। लेकिन आप मान लीजिए कि अगर स्मूथ की जगह रफ सरफेस ले लीजिए, रफ सरफेस ले लीजिएगा, तो प्रकाश इसमें घुस जाएगा और अच्छा इमेज नहीं बनेगा। तो इसको नियमित 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 बोलते हैं, नियमित, और इसको अनियमित बोलते हैं, अनियमित प्रतिबिंब। तो बोल रहा है कि जब किसी प्रकाश चमकीली सतह, चमकीली कहने का मतलब कि स्मूथ स्मूथ सतह से आपतित होती है, तो इसको नियमित परावर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में प्रकाश अच्छा रूप से दिखाई देता है, इमेज अच्छा बनता है, जबकि रफ वाले में, खुरदरे वाले में इमेज अच्छा नहीं बनता है, उसमें इमेज खुरदरा बनता है। जैसे आप मान लीजिए कि सड़क, सड़क पे आप इमेज नहीं बना सकते, सड़क पे आपका अच्छा इमेज नहीं बनेगा, लाइट उसमें घुस जाएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिए। आगे 13 नंबर क्वेश्चन, बोलता है एक समतल दर्पण के लिए छवि क्या होती है, बताइए समतल दर्पण के लिए छवि क्या बनाता है। तो समतल दर्पण हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा एवं आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब कि आप उसके पर्दे पे नहीं उतार सकते, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता है, ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है, और जो उल्टा प्रतिबिंब होता है ना वो कैसा होता है, वो वास्तविक होता है, ठीक है। तो जो समतल दर्पण है ना, वो सीधा आभासी एवं पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है। पार्श्व उल्टा कहने का मतलब क्या है, आप मान लीजिए कि घर के मिरर जो है ना, आपका घर का जो मिरर है, आप उसमें लेफ्ट राइट लेफ्ट हैंड उठाइए ना, तो उसमें आपको राइट दिखाएगा, यही आपका पार्श्व उल्टा है। आप इस बात को याद रखिए कि हमेशा सीधा आभासी एवं पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है,
क्या लगाएंगे इसमें? देखिए है दिया हुआ कुछ, हाँ आभासी एवं पार्श्व उल्टा यहाँ देख रखा है, आप इसको लगा दीजिए, आभासी एवं पार्श्व उल्टा इमेज बनाता है। यहाँ पे एक ऑप्शन छोड़ना चाहते हैं, देखो और छोड़ सकता है, सीधा सीधा इमेज, आभासी इमेज एवं पार्श्व उल्टा इमेज इन्होंने बनाता है। समतल दर्पण की क्राइटेरिया यही है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ है? तो समतल दर्पण का उपयोग घरेलू मिरर में है आपका, जो हम सामने को चेहरा देखते हैं, कैलिडोस्कोप में आपका, पेरिस्कोप में है आपका, ये तीन उपयोग याद रखिए। ठीक है, आगे चलिए। बोलता है एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? आभासी और सीधी होती है। क्या लगाएंगे? आभासी और सीधी। सीधा इमेज हमेशा आभासी होता है साथ में। आगे चलिए, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है? देखिए समान आकार, सीधी पार्श्व तौर पर उल्टी और आभासी। ये पार्श्व तौर पे तो उल्टी होती है, आभासी भी होती है और सीधी भी होती है और समान आकार का इमेज होता है। बिल्कुल सही है। आप मान लीजिए मिरर है ना, समतल दर्पण का एक मिरर है, आप अगर 5 फीट का है ना, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है, ये 5 फीट का है ना, 5 फीट का मान लीजिए, तो आपका इमेज भी 5 फीट का ही बनेगा। ठीक है, जितना यहाँ से दर्पण के बीच के यहाँ का दूरी अगर मान लीजिए 6 मीटर है, तो आपका इमेज भी 6 मीटर की दूरी पे ही बनाएगा। नहीं समझ पाए, आइए देखते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए समतल दर्पण में क्या होता है ना, मान लीजिए समतल दर्पण है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे रखे, मान लीजिए रख दिए एक आदमी को, एक लड़का है, अगर ये 5 फीट का लड़का है ना, 5 फीट का, आपका इमेज भी कितने का बनाएगा? 5 फीट का ही बनाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहां से यहां दूरी है, लड़का 6 मीटर पे खड़ा है ना, तो इमेज भी आपका कितने दूरी पे बनेगा? 6 मीटर पे बनेगा। आप याद रखिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा समान आकार का बनता है, और जितना से दर्पण से जितना दूरी प्रतिबिंब का होता है, सॉरी दर्पण से जितना दूरी वस्तु का होता है, दर्पण से उतना ही दूरी उसका प्रतिबिंब का होता है। दर्पण से अगर ऑब्जेक्ट का दूरी 5 मीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब का दूरी भी 5 मीटर होगा। समझ पा रहे होंगे? आगे चलिए। बोल रहा है कि दर्पण हमेशा वस्तु के एक ऐसी छवि को काटता है, वहां से बड़ा और समान आकार में होती है, बताइए कौन सा प्रतिबिंब है? क्या बोला है जी? दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित कर काटा है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। बताइए समान आकार का प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? समतल में बनाएगा। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? नहीं, आभासी प्रतिबिंब बड़ी और समान आकार का पूछ रहा है ना जी, तो आप इसमें क्या लगाएंगे बताइए? अवतल भी देखे रखा है, समतल अवतल में समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है क्या? हाँ बिल्कुल बनाते हैं। जब कर्वेचर पे वस्तु रखा जाता है, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, तो वस्तु समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वो अभ्यासी प्रतिबिंब भी बनाता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनाता है। आप इसको अवतल लगा दीजिए। ठीक है, आगे चलिए। अब यहां से देख रखा है किसी अवतल दर्पण का फोकस दूर से इतना दूरी है, तो वक्रता केंद्र इतना है, तो दूरी पे स्थित होगा। बताइए अब यहां से हमारा कुछ कंसेप्ट आप याद रखिए, यहां से थोड़ा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप यहां से याद रखिए कि जो हमारा अवतल दर्पण होता है ना साथियों, आपको थोड़ा सा अवतल दर्पण के बारे में बता दे क्या? अच्छा आगे बताएंगे, आइए पहले देखिए, आप इतना याद रखिए न्यूमेरिकल बनाने के लिए, हमारा जो अवतल दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण हो या लेंस हो, क्या हो? अवतल दर्पण हो या लेंस हो, उसकी जो फोकस दूरी होती है, क्या फोकस दूरी, वो हमेशा निगेटिव होती है। कैसा होता है? निगेटिव होता है। उसी तरीके से अगर उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसकी फोकस दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव होती है। ठीक है, जो वस्तु का आकार होता है उसको हम यू से डिनोट करते हैं, यू को हमेशा निगेटिव लेते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जो आवर्धन क्षमता होता है वो माइनस वी बाई यू होता है। ये दर्पण के लिए होता है, ये वी क्या है? तो प्रतिबिंब की जो दूरी है, यू क्या है? जो वस्तु की दूरी है, जो बीम की दूरी है। लेकिन जब लेंस आ जाता है ना, तो लेंस में इसकी आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है? वी बाई यू हो जाता है। ठीक है,
हम आगे इसके सारे डिस्कस करते चलेंगे, ये आप केवल याद रख लीजिए कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो उसकी फोकस दूरी निगेटिव होती है, उत्तल दर्पण हो या लेंस उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होता है, आवर्धन क्षमता माइनस भी वायु होता है, जबकि लेंस की लेंस में आवर्धन क्षमता भी वायु होता है। आइए यहां से हम क्वेश्चन निकालते हैं, इसको बनाते हैं, मिटा दें। देखिए अब इन्होंने क्या देख रखा है, बोला किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से इतना दूरी पर स्थित है, इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर यानी फोकस देख रखा है, क्या देख रखा है 16 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव, तो माइनस 16 लगाएंगे। इसका वक्रता केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो वक्रता केंद्र से दूरी जो हमारा होता है ना f इक्वल टू r बाई 2 होता है, होता है ना, तब r देख के रख, किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की ओर दूरी पर स्थित है, इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से कितनी दूरी पर होगी, अच्छा वक्रता केंद्र निकालना है ना जी, अबे माइनस छूट गया हमको लगता है, तो हमारा वक्रता केंद्र क्या हो जाएगा R इक्वल टू 2F होगा, तो R इक्वल टू 2 माइनस का F कितना देगा माइनस 16, यानी इसका आंसर कितना होगा माइनस 32 होगा, अब लगता है माइनस छूट गया होगा, यहाँ माइनस 32 सेंटीमीटर होगा इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है समझ आया। तो किसी अवतल दर्पण का फोकस इसके ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यहाँ पे इन्होंने 16 सेंटीमीटर फोकस देकर रखा, इसकी वक्रता केंद्र ध्रुव से पूछ रहा था, तो 32 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आगे चलिए, बोलता है इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पे होता है, तो देखिए गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष पे क्या होता है हमारा, मान लीजिए एक अवतल दर्पण है ना, एक प्लेन मिरर है, एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है ना जी, इसको मान लीजिए पोल, पोल से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है फोकस, यहां तक की दूरी वक्रता केंद्र, और इसके आगे जाइएगा तो अनंत कहलाता है। अब यहां से यहां तक की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस, वक्रता के वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी को वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र है आपका, नहीं नहीं यहां सॉरी ये वक्रता केंद्र नहीं होता है जी, आइए फिर से देखिए बताते हैं आपको, मान लीजिए अवतल दर्पण का ये मुख्य चीज से प्लेन मिरर है, तो ये पोल हो गया, यहां से यहां तक की दूरी फोकस, यहां से यहां वक्रता केंद्र, और इससे आगे अनंत, यहां से यहां तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है, इसको आर आप इस तरीके से लिख दीजिए, इसलिए तो आर इक्वल टू एफ बाई टू होता है, यहां से यहां तक की दूरी एफ, यहां से यहां तक की दूरी एफ, तो आर इक्वल टू तो हम जानते हैं ना टू एफ होता है, हाँ, तो यहां से यहां तक की वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र एफ फोकस, ठीक है, बोलता है कि इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पे होता है, तो बताइए पोल होता है, पोल होता है बिल्कुल होता है, वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है बिल्कुल होता है, आपतन बिंदु होता है क्या, नहीं इस पे आपतन बिंदु नहीं होता है, तो फर्स्ट और थर्ड का आंसर है, मुख्य अक्ष पे स्थित होता है ना जी, अच्छा मुख्य अक्ष पे स्थित होता है, इसका मतलब ये पूछ रहा है, ये पोल के बारे में पूछ रहा है, तो आप केवल यहां से ध्रुव लगा दीजिए, ठीक है, केवल तीसरा, केवल तीसरा भी नहीं देके रखा है यार, पहला तीसरा तो दिया नहीं है, यानी स्प्रिंट है क्या, इनमें से कौन सा बिंदु हमेशा गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पे होता है, तो मुख्य अक्ष पे हमारा आपतन बिंदु नहीं होता है, पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला या तीसरा कर दीजिए जी, क्योंकि वक्रता केंद्र पे भी मुख्य अक्ष है, जो मुख्य अक्ष है ना यही मुख्य अक्ष होता है, मेन एक्सिस इसी को बोलते हैं,
मेन एक्सिस पे पोल भी होता है और वक्रता केंद्र भी होता है, दोनों सही है, फर्स्ट और थर्ड होगा, एमएस पेंटिंग है। आगे चलिए, ठीक है। अब यहाँ से आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, बोलता है किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण द्वारा उत्पादन आवर्धन क्षमता क्या होगा? तो बताइए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या देखे रखा है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या लेंगे? माइनस का 18 सेंटीमीटर। बोलता है अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यानी ऑब्जेक्ट का दूरी यू क्या देख रखा है? माइनस 12 सेंटीमीटर देख रखा है। तो हमको क्या निकालेंगे? पहले बी निकालेंगे। हम जानते हैं कि 1 बाई एफ इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू। 1 बाई एफ हम क्या देख रखा है? 1 बटा माइनस 18 इक्वल टू 1 बाई बी, और ए देख रखा है क्या? माइनस 12। अब इसको इधर ले आइए तो क्या बनेगा? 1 बाई बी इक्वल टू, इसको आप इधर ले आइए, 1 बाई 18 प्लस 1 बटा 12 माइनस 18 है जी, हाँ इसको ले लीजिए 36 माइनस 2 प्लस 3 क्या बनाएगा? माइनस 1, माइनस 2 में से माइनस 3 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा ना, यानी माइनस 1 बाई 36, यानी ये माइनस 36 क्या आया? भी आया, ठीक है। अब पूछा क्या है उन्होंने? आवर्धन क्षमता पूछा है, तो आवर्धन क्षमता क्या होता है? मैग्निफिकेशन माइनस भी बाई यू, पता है ना? तो आप माइनस भी रखिए, माइनस भी क्या रह गया? माइनस 36 माइनस माइनस 36 प्लस 36 बटा यू क्या देके रखा था जी? यू था माइनस का 12, क्या हो जाएगा? माइनस का 3, माइनस का 3 आंसर है, बिल्कुल है। ये समझ पाए? ये दर्पण के सूत्र है, ठीक है, आपको इसको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला होता है उसमें फोकस माइनस का लेते हैं और यू हमेशा माइनस होता है, भी हमेशा क्या होता है उसको प्रतिबिंब के आकार पर निर्भर करता है, तो भी निकालिए, आवर्धन क्षमता आपका माइनस भी बाई यू होता है, ठीक है। आगे, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर नैतिकरण प्रतिपालन करते हुए मुक्त फोकस के बाद आई, बताइए 15 सेंटीमीटर क्या देके रखा? आर देके रखा है। अब एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई टू, तो आर 15/2 क्या हो जाएगा हमारा? 7.5। साढ़े सात किसका बनेगा? पॉजिटिव का बनेगा कि निगेटिव का? उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसा होता है? पॉजिटिव, या क्या लगाएंगे? पॉजिटिव लगाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको कीजिए। बोलता है किसी की 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण में कक्ष पे रखा गया है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, नियमित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? तो बताइए क्या ऊंचाई होगा इसका, यानी ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा है ना 2.5 सेंटीमीटर, और फोकस देके रखा है, फोकस क्या देके रखा है? माइनस का 16, और अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष पे 24 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यू देके रखा है माइनस का 24। पहले तो 1 बाई भी निकालिए, तो 1 बाई भी क्या करेंगे? 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ क्या देके रखा है? 1 बटा माइनस का 16 और माइनस, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा ना जी, 24 ऊपर जाएगा तो 1/24, ये 48 माइनस का 3 प्लस का 2 क्या बनाएगा? 1 माइनस का 1/48, यानी भी हमारा क्या आ गया? माइनस का 48 आ गया। अब हम जानते हैं कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? माइनस बी बाई यू होता है, ठीक है, सोच पा रहे हैं? आप इसको आप पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि इमेज आपका कुछ भी आएगा ना, तो इमेज हमेशा नकारात्मक नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप हाइट ऑफ इमेज निकालना, आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देके रखा था कितना? 2.5। आप इसको लिखिए, माइनस भी और माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि लिख लीजिए आप कितना हो जाएगा? 48 बटा माइनस का यू क्या देके रखा है? माइनस का यू माइनस का 24 क्या बनेगा? माइनस का 2, और जब इसको गुना करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, लेकिन माइनस 5 नहीं लगाएंगे, 5 लगाएंगे, क्योंकि इमेज को जो बनता है ना वो नकारात्मक नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। आप ऐसा सुने हैं कि इसका मेरा प्रतिबिंब माइनस 5 है, माइनस 7 है, ऐसा नहीं होता है,
तो आज के लिए क्वेश्चन आयर का सेशन यही था। आपको जहां भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, हम उसको फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप इसमें थोड़ा सा याद रखिए कि जो क्रांतीय प्रॉपर्टी होता है ना, उसको हम थोड़ा सा बता दें, क्रांतीय प्रॉपर्टी क्या होता है। देखिए, अगर आप किसी भी अवतल दर्पण के इस तरीके को रखें, इसके ऊपर मुख्य फोकस को आप गुजार दिए, ठीक है, तो आप अगर इस ओर प्रतिबिंब बनेगा तो पॉजिटिव का बनेगा, आप इधर प्रतिबिंब बना तो आपका तो पॉजिटिव, अगर आप इधर वस्तु को रख रहे हैं तो इधर निगेटिव बनेगा हमेशा। आप पैरेलल दिशा में अगर नीचे की ओर प्रतिबिंब बना रहे तो ये भी आपका निगेटिव बनेगा। आप हाइट के अनुसार ऊपर में बना रहे तो आपका पॉजिटिव बनेगा। एक क्रांतीय प्रॉपर्टी है इसका, ठीक है। आप इमेज को यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, निगेटिव में बनेगा, इधर प्रतिबिंब बन रहा पॉजिटिव बनेगा। पैरेलल दिशा में 90 डिग्री ले रहे हैं तो आपका नीचे का प्रतिबिंब माइनस में बनता है और ऊपर में आपका पॉजिटिव का बनता है, ठीक है। और इसमें आप ये भी याद रख लीजिए कि प्रतिबिंब जो बनते हैं ना अवतल दर्पण में कैसे बनते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण है, आप इसको याद रख लीजिए, ये मुख्य रूप से पोल है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी जो हमारा कहलाता है ना, वो आर कहलाता है। यहां से यहां दूरी स्मॉल है, यहां से यहां दूरी स्मॉल है, आप इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं हम आपको कल बताएंगे इसको अच्छे से। ऐसे देखिए, इसमें ये ऑब्जेक्ट को यहां रख दीजिए, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां रखा सकता है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ, ठीक है। और जो अवतल दर्पण में इमेज बनता है ना, मुख्य रूप से इस तरीके से बनता है, पहला इमेज यहाँ बनता है, दूसरा इमेज यहाँ बनता है, तीसरा इमेज ऐसे बनता है। आगे हम इसको कल बारे में आपको बताएंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। कि कल पहला हम अवतल और उत्तल के प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये आपको हम कल आपको सबसे पहले बताएंगे, ठीक है। ये सारे समझ आ गए होंगे, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।